हुकूमत उनके हाथ में हो। अगर हुकूमत वैसी है किस तरह से किया जाता है, जो राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता जो राजनीतिक विचारधारा इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ ये देश का जो हुकूमत आपको मिला है इसका कई इस्तेमाल आज किया जाता है, चाहे CBI हो, चाहे DG हो, चाहे आई हो। इन लोगों से मजबूत से टकराव करने की आज आवश्यकता है। अब देखिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, इनका नाम था अनिल देशमुख। अनिल देशमुख एक मेहनत करने वाला मजबूत होम मिनिस्टर था। कुछ इश्यू हो गए, उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके इनके खिलाफ चार्जशीट दे दी। चार्जशीट क्या दे दी कि उन्होंने किसी के भाग से 100 करोड़ रुपए इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए डोनेशन दी, और इसलिए पैसा लिया तो किस लिए लिया, एजुकेशन के लिए। कितना लिया? 100 करोड़। चार्जशीट दे दी, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक महीने के बाद नई चार्जशीट दे दी। और वो नई चार्जशीट कहती है कि वो 100 करोड़ नहीं थे, 4 करोड़ थे, 100 से 4 करोड़। और अभी 15 दिन पहले और एक नया चार्जशीट दे दिया, और इस चार्जशीट में लिखा 4 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 10 लाख, यानी 100 से 16 और 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख चाहे के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग बनाने के लिए, तो चेक से भर्ती के लिए लाइफ में डिपॉजिट इसका रिकॉर्ड है, मगर होम मिनिस्टर को पिछले 10 महीने से जेल में रखा। क्या किया था नवाब अली की एक ही गलती थी, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता था। हर दिन जहाँ कुछ गलत बात होती है ये बात लोगों के सामने रखने का फर्ज वो करता था ईमानदारी, और इसीलिए इनके खिलाफ केस में क्या था, 20 साल पहले कुछ व्यवहार हुआ था और इसमें उन्होंने कुछ किया, कुछ जमीन की खरीद हुई 20 साल पहले। और अभी हम मानते थे कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे दो, क्या तुमसे काम गलत क्या किया वो हम देखना चाहते, हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, इस देश में एक कानून हम लोगों ने किया जब हम लोग यहाँ पीछे गवर्नमेंट में थे, और तब एक कानून हमने किया राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मांगने का अधिकार सिटीजन का होता। जब नवाज मलिक के खिलाफ ये केस हो गई, इनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने गलत काम किया, हमारे कुछ साथियों ने राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन मांगी नवाब मलिक के बारे में, और इन्फॉर्मेशन आ गई कि जो इनके खिलाफ चार्ज है ऐसा कोई काम नवाब मलिक ने किया नहीं, ऐसा लिखित आज इन्फॉर्मेशन वहाँ आई है, ये दे सकती। ये क्या है, आपके खिलाफ कोई राजनीति में होता है प्रजातंत्र में जमहूरियत में बोलने का अधिकार नहीं, कुछ गलत काम किया तो बोलने का अधिकार नहीं। अच्छा, हमने कुछ गलत बात की तो हमारे खिलाफ केस करिए, इन्फॉर्मेशन करिए, कुछ भी करिए, मैं बोला इसलिए पिछले 10 महीने से जेल में रहना और उनके फजीहत को सताने का काम वहाँ करना। वहाँ सामने नाम का एक मिनिस्टर, इसका एडिटर मेरे साथ पार्लियामेंट है संजय राउत उनका, ये उनका नाम, फिर से 15 या 3-4 हफ्ते से उनको अरेस्ट किया गया। काहे के लिए अरेस्ट किया, जैसे नवाब मलिक ये सरकार की जो दूसरी चीजें देश के सामने रोकने का काम करता था, वैसे ही संजय राउत लिखता था, एडिटर था, और इसीलिए
उनके खिलाफ केस की है। हमने पूछा उनसे फरियाद को कि जब आप खाना देने के लिए जाते हैं तो पूछिए कि उनको क्या सवाल पूछते, क्या इन्वेस्टिगेशन उनका चालू है। तो हमें इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको इतना ही पूछते हैं कि मुंबई शहर में कोरोना हुआ था तब जो कोई दवा पानी दिए इसके लिए कितना खर्चा हो गया। ये बोलता हूँ मैं न्यूज पेपर में काम करता हूँ, मैं एडिटर हूँ, वहाँ कितना खर्चा हुआ तो डॉक्टर को पूछो, हॉस्पिटल को मुझे क्यों पूछते। नहीं जब तक ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं देगी तब तक आपका छुटकारा नहीं होगा। इस आदमी को वहाँ रखा गया। ऐसे जगह जगह पर आज देश में कई राज्यों में इस तरह की स्थिति पैदा हुई, और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हम लोगों का फर्ज प्रजातंत्र का रक्षा करने की जिम्मेदारी जो हमसे ऊपर है वो संभालने के लिए पूरी करने के लिए ऐसी जो गलत शक्तियाँ हुकूमत का गई इससे आज आज देश में हो रहा है इसके खिलाफ आज हमें बहादुर से खड़ा रहने की तैयारी रखनी चाहिए। किसी बात में कह सकते अनेक कई राज्यों में जहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ तकलीफ शुरू है। हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में हर दिन किसी एमएलए के खिलाफ, किसी एमपी के खिलाफ, किसी मिनिस्टर के खिलाफ कहीं ना कहीं से ये आज शुरू है। आज लोगों में गांव वालों को इससे पहले पुलिस केस मालूम थी, पिछले कुछ सालों में सीबीआई मालूम हो, और अभी ईडी आ गई। आज गांव में पूछते ईडी क्या, गांव में कुछ झगड़ा हो गया तो गांव वाला किसान अपने साथियों को बोलता हूँ कि भाई तुम ये ठीक करो जैसे ईडी लगाओगे। ये ईडी लगा उसके बाद जिन लोगों को ईडी मालूम है आज ये ईडी इन लोगों ने देश के सामने दी। और इसलिए आज ये जो कुछ चला है तो देश की भलाई के लिए चालू नहीं, हम लोगों को इसमें काम करने की आवश्यकता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए और नेता लोगों की स्टेटमेंट देखी। हमारे यहाँ एक एमएलए साहब ने कहा वो पहले कांग्रेस पर थे, कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी में गया। उनसे सवाल पूछा मीडिया वालों ने आपने ये क्यों किया, उन्होंने जवाब दिया मैंने पार्टी भोजी मैं म्यूजिक फिल्म में गया और मुझे खुशी से नींद आती है। हमें कोई ईजी फीजी मेरे खिलाफ है कैसे बहुत थे मगर अभी सब खत्म हो गए। वहाँ एक धुलाई का मशीन है, इस मशीन में जाए तो हम क्लीन होकर बाहर आए। और ये काम आज यहाँ हो गए ये बात देश के प्रजातंत्र के लिए जमकर इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं, और इसे हम लोगों को सोचना होगा। आप मुझे याद है कि 1975, 76, 77 ऐसी स्थिति देश में इमरजेंसी लाई, हजारों लोग जेल में गए, और तब सब लोग कहते थे कि अभी 25 साल देश में बदलाव नहीं आएगा। ये बात 76 की थी, 77 का चुनाव होगा और आपने देखा कि सरकार बदली। कई लोग छोटे थे जिनका नाम मालूम नहीं था वो भारी वोटों से जीते। इस देश में एक अच्छी बात है हमारे जैसे राजनीति में काम करने वाले लोग हैं जो हमें अक्ल मिली है, इससे इस देश के आम लोगों की अक्ल ज्यादा है। और वो अक्ल लोग देखते हैं बोलते नहीं मगर जब समय आता है तो काम ठीक करते हैं और सबक सिखाते हैं। ये सबक सिखाने का टाइम जो इससे आएगा हम लोगों ने इसकी तैयारी करनी चाहिए। मुझे विश्वास है इसमें सभी शिक्षक चाहे माइनर चीज का हो चाहे मेजर चीज का हो सब मिलकर देश की एकता, देश के प्रजातंत्र और देश का बेसिक अधिकार इसका सम्मान करने के लिए हम दूसरे काम करेंगे। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ मुझे खुशी है कि आज
रिंजी साहब ने जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर एक नया हौसला तैयार करने के लिए शुरुआत की है। आपकी और हम सब लोगों की सहयोग ताकत इनके साथ रहेगी और हम जो नक्शा बदलना चाहते हैं इसकी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत देता हूँ।